हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं मेथी मटर पनीर और मलाई से रेसिपी। इसके लिए मैंने प्याज को बड़ा बड़ा सा काट लिया है, तो दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा लहसुन, दो हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और टूटे हुए काजू, आप साबुत भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा एक छोटा पीस दालचीनी का। और इधर पनीर को भी काट के रख लिया है और मटर को भी हमने छील के रखा है। और इधर कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म होने देते हैं, उसमें हम ये सारी चीज़ों को बॉईल करेंगे। सिर्फ गरम मसाले को छोड़ के बाकी सब को उसमें पानी में डाल देना है। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और काजू, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट होने तक हमें करना है, जब तक ये नरम ना हो जाए या ट्रांसपेरेंट ना हो जाए प्याज का कलर, तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। इससे क्या होगा, जो प्याज का जो हमारा स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो चला जाएगा और हम वो पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और सिर्फ उसको छान लेंगे, फिर इसको हम पेस्ट बनाएंगे। अब देख सकते हैं मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, और इधर कटोरी में थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है मैंने, और इसमें हम ये कसूरी मेथी इसको भिगो के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। भीगने के बाद ये एक मुट्ठी के करीब होना चाहिए, उतना ही क्वांटिटी आप भिगाएं इसमें, छोटा सा एक छोटी सी मुट्ठी में एक मुट्ठी होनी चाहिए। ये आप कच्चे हरी जो मेथी के पत्ते आते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉईल हो चुका है, इसलिए हम इसको अब निकाल लेते हैं पानी से मिक्सी जार में। हमारे काजू भी बॉईल हो चुके हैं, प्याज भी बॉईल हो चुके हैं, तो सबको हम ले लेते हैं मिक्सी के जार में और एक पतला सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब देख सकते हैं इसका पानी बच गया है, इसको हम थ्रो कर देंगे और उसी में हम ऐड कर देंगे दही जो बॉईल किया हुआ था हमने उसके साथ ही, और इसका पतला पेस्ट बना लिया है हमने। अब कढ़ाई को ऑन करते हैं, फ्रेश कढ़ाई ले लें, उसमें रिफाइंड ऑयल, और इसके साथ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बटर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मेथी के पत्ते हमने जो भिगो के रखे थे, कस्तूरी मेथी है ये, इसको भी हम एकदम अच्छे से निचोड़ के इसको हम बटर में फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसको हम फ्राई कर रहे हैं, ये फ्राई हो चुका है। अब इसके साथ ही हमने जो पनीर को डाइसेस में काट के रखा है उसको भी डाल देते हैं साथ में, इसको भी हल्का चला लेंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन या कोई कलर चेंज होने तक फ्राई नहीं करना है, जस्ट थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है। और इसके साथ मटर भी डाल देंगे, मटर आप कम क्वांटिटी में ही डालिएगा। ये जो रेसिपी है इसको आप सिर्फ पनीर से भी बना सकते हैं मेथी के साथ, और सिर्फ मटर के साथ भी बना सकते हैं मेथी के साथ, क्योंकि ये मेथी मटर मलाई भी बन जाएगा और मेथी पनीर मलाई भी बन जाएगा। एक ही रेसिपी में मैं आपको दो रेसिपी दिखा रही हूँ, और दोनों को मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। किसी किसी को मटर नहीं पसंद आता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और इसको मैंने फ्राई करके ये निकाल लिया है कटोरी में, और बाकी जो लेफ्ट ओवर हमारा जो तेल है और बटर है उसी में हम ये जो गर्म मसाले हमने रखे थे उसको थोड़ा सा भुनने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसका जो वैसे ही बटर वाले इसमें स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसमें गरम मसाले का भी फ्लेवर ऐड हो जाए। और इसी में मैंने गरम गोलकी पाउडर, जो गरम ब्लैक पेपर पाउडर होता है वो, उसके साथ हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सबको चला लेते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये सबको चला के एक सेकेंड दो सेकेंड बस, उसके साथ ही एसोफिटिडा मतलब हींग, इसको भी डाल देते हैं।
और ये जो वाइट ग्रेवी हमने बना के रखी थी पेस्ट, उसको डाल देते हैं उसमें और इसको हम थोड़ा देर चलाएंगे कि अच्छे से ये, क्योंकि हमारा जो वो है प्याज लहसुन अदरक वो सारी चीज़ें बॉईल हो चुकी है ऑलरेडी, हमने बॉईल करके रखा है। बट जो हमारा दही हमने ऐड किया था वो दही हमारा कुक नहीं है, इसलिए हमें दही को थोड़ा सा कुक करने के लिए डालना पड़ेगा। और इसके साथ मैंने नमक ऐड कर दे रही हूँ ग्रेवी के लिए, और आप देख सकते हैं ये थोड़ी देर बॉईल हो चुका है, इसलिए इसी में ये जो मेथी पनीर और मटर को हमने थोड़ा सा फ्राई करके रखा था उसको भी मिला देते हैं साथ में। और मान के चलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा आपको जैसे ही कंसिस्टेंसी रखनी है आप वैसे कंसिस्टेंसी रख के आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड किया है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। बस हमारी रेसिपी करीब करीब अब रेडी है। इसके साथ हमने इसका नाम मेथी है, मेथी मटर मलाई है, तो मलाई तो हमने ऐड किया ही नहीं, तो मलाई की जगह में हमने फ्रेश क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये मैंने फ्रेश क्रीम ले लिया है, इसको थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में डालिएगा। देखिए कितना सुंदर कलर चेंज हो गया, पूरा मलाई मलाई, और इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए ये रेसिपी मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को हमेशा देखते रहिए और मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कमेंट भी करते रहिए, मुझे आपसे कमेंट मिलने में भी पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। चलिए आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बाय बाय, टेक केयर।